अगर एक बार बैंड बढ़ गया ना प्रिया, तेरे में बैंड डाल दूंगा ऐसे वाला भी। कैसे वाला? ये आया छोटा डॉग। हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ सुबह सुबह से। सुबह के बज रहे 5 और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है ना, तो जिसकी वजह से जिया की स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है। पहले उसका स्कूल था 8 बजे का, अब उसका स्कूल है 7 बजे। तो इसके वजह से भी मुझे सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 1 घंटे के अंदर मैं सारा नाश्ता वास्ता बना लूंगी और फिर उसके बाद जिया को रेडी करके स्कूल भेजूंगी। पहले मैं बना लेती हूँ सबके लिए चाय। चाय मैंने बना दी इतनी सारी और आटा भी गूंथ दिया ये। तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ भी पीतल की परात में आटा गूंथते कि नहीं। जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, उनको मतलब पीतल की परात में आटा गूंथना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे पास ये है, और ये थाल पता कौन सी है? ये पीतल की थाल कौन सी है? जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे मम्मी पापा ने कन्या दान किया था, इसमें मेरे पैर धोए थे, तो ये थाल वही है। कहते हैं ना पीतल की थाल में आटा गूंथना या खाना खाना या कुछ भी बर्तन यूज करना पीतल का बहुत अच्छा माना जाता है। बाय जिया, आज तो जल्दी छुट्टी जाएगी, ठीक है, जल्दी से आएगी। बाय जिया। तो चलो जी, अभी स्कूल चली गई है टाइम से, अब अंदर जाते हैं, सारा काम कुम करते हैं। स्पाइकी आजा। और हवा इतनी अच्छी चल रही है, देखो वाह। तो अभी मैं छत पे आई और मैंने देखा छत इतना चमक रहा है ना, मतलब साफ। और यहाँ से सारे पेड़ पौधे भी हटा दिए, मतलब गमले सारे हटा दिए। ये देखो सारे गमले इधर सेट कर दिए, वाह। सब में पानी डाला है। ये ना सिर्फ पापा ही कर सकते हैं, क्योंकि पापा को ही होता है पेड़ पौधों का इतना सारा ध्यान, कभी इधर रखना, इधर से उधर रखना। तो आप लोग ने देखा ही होगा, कभी हम वहाँ रखते हैं, अभी वहाँ सजाए हुए थे इनको, तो अभी यहाँ रख दिया। अब धूप हो गई है ना बहुत ज़्यादा, तो ये छत में भी ऐसे लगे हुए हैं। और ये देखो एक चीज़, इतने सारे नींबू आ रहे हैं इसमें, नींबू भी बड़े बड़े हो गए। और नींबू के साथ साथ ये देखो अमरूद कितना बड़ा हो गया है। अरे दो उधर लगे हुए हैं ये। तो ये ना, जब से मैं अमरूद का पेड़ लेके आई थी ना, तब से फर्स्ट टाइम इसमें अमरूद आ रहा है, मतलब ये पहला फल है इसका। नींबू में तो 2-3 बार आ गया है। और ढड़ू कह रहे थे ना, खाली तू बेकार ही ले रही है अमरूद, कुछ फल वल नहीं आने वाला है, इतने छोटे पेड़ में फल थोड़ी आता है। अभी उनको नीचे जाके बताती हूँ। ये देखो तो प्यारा लग रहा है, ये बड़ा हो जाए ना मजा आ जाए खाने में। और अभी मैं जाती हूँ नीचे, फटाफट से सबको नाश्ता दे देती हूँ और नहा धो लेती हूँ। उसके बाद जिनसे आ गए कल, मम्मी को डराते ना, आज मैं डराते थे, क्यों डरते नहीं डरते। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। डरे की ओवर एक्टिंग थी, डरे 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 थे ना, एक्टिंग का नहीं दे सकते। क्योंकि कल आपने मम्मी को डराया था इसलिए। ये क्यों मुंह ऐसा क्यों रहा, आपके होंठ ऐसे क्यों रहे सूखे सूखे से? गीले कर रहे हैं। अभी गीला करती हूँ, जल्दी से जाओ और ओट्स लेके आओ, ठीक है? ओट्स तो है नहीं है मेरे, कहाँ गए मेरे ओट्स? कौन खाता है? वाह सौ चूहे खा गए, बिल्ली हज को चली। हाँ यार इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, जाओ। मेरे बालों में बैंड पड़ते हैं ना। हाँ। बैंड नहीं पड़ने अब चाहिए, बैंड का इतना पैसा लगाया। अब अगर एक बार ये बैंड पड़ गया ना प्रिया, तेरे में बैंड डाल दूंगा ऐसे वाला। अभी कैसे वाला? जल्दी से जाओ लेके आओ, फटाफट से बना दूं। जिम से आए हो ना अभी? बोल रहे आप भी उठ गए बाबा, गुदी गुदी सी मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग मॉर्निंग। ये हाथ मुंह पे ऐसे क्यों डाला है? गंदी गंदी सी बात होती है, गंदी बात होती है, ठीक है। जब भूखी लगती है तो मम्मा को बोलते हैं ना डूडू वोड़ अंगड़ाई अंगड़ाई। तो गाइस ये देखो हर्षी की न्यू ड्रेस, इसके दादू लेके आए बना के। बाय दादू। ये आया छोटा डॉग। हाइट कम हाइट ज्यादा, फुल बाजू नहीं बनाया ना गर्मियों के लिए, ठीक है। हाँ हर्ष बाबू दादू को थैंक यू नहीं बोला? डिजाइन बनाएगा अपन, ये डिजाइन आगे है। हाँ ये आगे क्या है, उल्टा पहना दिया है। पहनाया किसने? दादू ने। दादू ने डिजाइन बनाया, दादू ने उल्टा पहना दिया। वाह वाह दादू वाह। कपड़े पहनाते हुए रोती है दादू को। बाय कर दो बेटा, बाय करो। फोन में तो कहती है नमस्ते दादू। नमस्ते नहीं, फोन में बात करती है दादू से कैसे। तो वैसे भी हम लोग हो चुके तैयार और अभी हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर, फ्लोर के पास है और बहुत अच्छा मंदिर है। तो हम सोच रहे हैं मंगलवार है तो वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। और हो गई है यहाँ पर प्रिया, तो हम लोग सब बार बार बीमार पड़ रहे हैं ना, तो वहाँ जाके नजर नजर उतार के नजर झुक के आते हैं। कभी हर्षी कभी मैं कभी घड़ू कभी कोई कभी कोई कभी। और मम्मी ने आज वही वाला सूट पहना जो मैंने पसंद किया था। दोनों मैचिंग मैचिंग साथ में ना।
मैचिंग मैचिंग लग रहे दोनों की। मेरा थोड़ा अमेजिंग दूसरे वाले। तू मशहूरी सैड हो। पगार बढ़ाओ तुम, इतना पैसा में घर नहीं चलता, साला ईमान कैसे चलेगा है? कल हुआ कहीं का। चलो हर्षी बाबू भी तैयार हो गई है और जय कल से तैयार होकर बैठी है। ये क्या कर रहे बेटा? ऑटो चला रहे आप लोग? ये ऑटो चला नहीं रहे, पता ये सायरन बज रहा है, कोई छेड़ता है तो जान मुझे छेड़ रहे हैं। और डांस कर रहे हैं तुम लोग? कैसे कैसे म्यूजिक कैसे चलाते चलाओ? गंदी बाल बेटा। अरे आप लोग एक चीज दिखाओ, मैं ये देखो तो जिस मंदिर में हम लोग जा रहे हैं ना, उस मंदिर का नाम है संकट मोचन हनुमान मंदिर और वो है फ्लोर में। तो शाम को हम इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना मंदिर जो है वो सारा ओपन है और हर्षी भी है, धूप ना लगे ना, और गर्मी इतनी है तो शाम को जाना ही सही रहेगा। शाम को आराम से दर्शन करेंगे और वहाँ पे बच्चों को भी ले जाना सही रहेगा। ये देखो ये तो सो गई और वो दादी के पास वो सो गई। अभी तक देख रही थी कैसे। टोल टैक्स में 10 सेकंड हो गए। क्या कर रहे हो भैया? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, वरनाउ रघुबर बिमल जसो जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मौज और दर्शन हमने कर लिए बहुत अच्छे से और आप लोग ने भी कर लिए होंगे। आई थिंक हमने आपको दिखाई दिया। जब भी है ना हम कभी मंदिर जा रहे हैं ना आजकल, तो ऐसा ही हो रहा है जैसे हम पहुंच रहे वैसे आरती हो रही है, या तो हमारा टाइम ही ऐसा बन गया है। मतलब अच्छा हुआ हम शाम को आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मतलब हमारा कोइंसिडेंस ऐसा हो जा रहा है बहुत अच्छे से कि जैसे हम पहुंच रहे वैसे आरती शुरू हुई है। और हम ये घर से सोच के नहीं आ रहे कि अभी आरती का टाइम होगा हम जाते हैं, हम अपने हिसाब से टाइम निकाल के आए थे, उस समय आरती शुरू होगी और हम लेट भी हो गए थे। हम आने वाले थे 2-3 बजे, तो होते होते लेट हो गए थे, 5 बजे घर से निकले। जहाँ पे बच्चों को खिलौने वाली दुकान दिख गई ना, वहाँ से मुश्किल हो जाता है ले जाना। ये देखो ये तो ये बच्ची है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये वाला ले बेटा। एक मिनट के लिए वो मान जाती है, आपको मुश्किल होता है। देखो क्या कह रही है, सही बोल रही है। मैं आपसे जिद कर सकता हूँ, वो अपनी मम्मी से जिद कर रही है, मैं अपनी मम्मी से जिद कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। मम्मी से जिद थोड़ी कर रही है, जिद कर रही है वो। वो हंस रहे देखो। हाँ नीचे बैठ के एक बार जिद करो फिर। दूसरा देख बेटा दूसरा। अरे आजा भी है, कितनी जाएगी? ओहो मैं तो मेरे को पता ही नहीं था इतना टाइम क्यों लगा रही है। सब्जी ले रही, छाटनी पड़ती है। अरे यार ऐसे पकड़ते थे, अच्छा डाला है मैंने। हाँ ये इतना अच्छा डाला अपने जैसे। एक टाइम हुआ करता था जब टमाटर का रेट 80 रुपए किलो पहुंच गया था और अभी 10 रुपए किलो मिल रहा है। 120 पहुंचा, अभी 10 रुपए किलो है। ये करेले मैं कभी नहीं भूलूंगा, इनके साथ मेरा एक बहुत मजबूत वाला कनेक्शन है। मजबूत वाला। लाऊं दोबारा? खाऊंगा नहीं मैं। हो गया 2 किलो। दादू को तो छोड़ के चल गई ना बेटा। तू कहाँ चले गए थे? घूमी गए थे ना। दादू तो यहाँ रह गए अकेले। जाओ दादू पा जाओ। कौन गए थे बाबा? जय बजरंग बली करने गए थे हम तो। संकट मोचन हनुमान मंदिर, दादू हम तो वहाँ गए थे। वहाँ खुश हो रही थी बड़ा।
नई नई जगह जाते ना खुश होती है, देखती रहती है इधर उधर। ग्लास में भी रख देते पानी, पानी देखना कैसे रखा है, जग में, शेकर में, लोटे में, मैं कह रही हूं गिलास और उसमें भी बच रहा था फिर कोली। बोतले नहीं है क्या? है ना बोतले भी भर के अंदर पूरा वाटर कूलर भर के रख रखा है। बताओ हद है। ओह माय गॉड। मैं सही में तो वो लग रहा है लौंडा लग रहा है, पता है जवान लग रहा है, बुड्ढा कुकड़ कमाल दा वाला है। मेरे से भी जवान, मैं से वैसे नहीं जवान, मैं से बड़ा हूँ पर जवान लग रहा है। वैसे देखा जाए ना तो मेरे से बड़ा लगता था ये गौतम, मेरे से बड़ा लगता है। मैं सबसे जी तो भाई मैं सबसे छोटा मैं लगता हूँ। नहीं लगता क्या? आप लोग बताओ गाइस, मैं लगता नहीं लगता हूँ इन दोनों भाइयों से छोटा? सच बताएंगे गाइस और माँ। माँ आप बताइए पहले, सच क्या? सच है, सच लगता है। क्या लगता है? इनसे छोटा लगता है। अच्छा सच, सच लगता है। अबे चार महीने की अभी कहाँ बैठेगी, अभी कहाँ बैठेगा ये बतख। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे होता है खाना, बाहर का खाना अब छूट रहा है तेरा अच्छे से। इसी बहाने मेरे को एक पता क्या होता है, एक तो अगर इसी के बहाने इसी के बदौलत मुझे भी खाना पड़ता था कि हाँ बाहर का खाना मजबूरन मुझे खाना पड़ता था, बट अब मजबूरन खाना पड़ता था। हाँ तो बाहर खाना खाते तो मजबूरन खाना पड़ता था। हाँ तो अब मेरे को बोलने दे पाते, मुझे पता तो बोलने नहीं दे रही। अब पता क्या है, अब ना शाम को 7 बजे तक घर आना, 7 बजे खाना खा के एकदम सोती है और घर का खाना खाना होता है, इसलिए मैं भी घर का खाना खाता हूँ और मेरी डाइट एकदम बढ़िया हो रही है, इसकी बढ़िया हो रही है। तो बस अभी खाते पीते हैं और सो जाते हैं। गुड नाइट, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो।